जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बाय MD धीवर पर। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो मार्केट में अफवाहें चल रही है कि 30,000 शिक्षकों की भर्ती की वैकेंसीज वाली बात, तो क्या वो सही है? और अगर यह जब सही है तो फिर इस वर्ष 2024 में जो बजट सत्र आया छत्तीसगढ़ में, तो उसमें उसको मेंशन क्यों नहीं किया गया? और जानेंगे कि जो शिक्षक भर्ती है उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, और अगर शिक्षक भर्ती आने वाली है तो क्या CG टेट का भी एग्ज़ाम होगा? क्योंकि देखिए 2023 में CG टेट का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, सिर्फ 2023 और 24 में CG टेट का एग्ज़ाम हुआ है। तो क्या वाकई में ये CG टेट का जो एग्ज़ाम है वो होगा क्या, और होगा तो फिर उसकी तैयारी कैसे करें? तो इन सारी बातों को इस वीडियोस में हम लोग जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार की जब भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए सबसे पहले आप तक की पहुंचे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा पिछले एक हफ्ते के दौरान कि इस मार्केट में, ठीक है, जो 30,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए काफ़ी अफवाहें उड़ी हुई, तो क्या ये वाकई में सच है? तो देखिए, हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था, आपने देखा ही होगा उसका एक इंटरव्यू, तो उसमें कहा था कि इस वर्ष 2024 में 30,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। और जब अगर हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने कहा है तो होगा ही होगा, ये बात आप लिख के रख लो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उन्होंने अपनी जो इंटरव्यू है उसमें क्या कहा है। ये सब खुदा की सरकार के पाप है कि उन्होंने अपने लोगों को और अलग अलग जगह अटैच कर दिया, जिसके कारण स्कूलों में शिक्षक की जगह खाली हो गई। आज ही मैंने मीटिंग ली है और मैंने कहा कि अगले शिक्षा सत्र में किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है, और इसके लिए आप पूरी जानकारी बुलवाइए कि कहाँ पर कम बच्चे हैं, ज़्यादा शिक्षक हैं, कहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, कम शिक्षक हैं, ऐसे कितने स्कूलें हैं जो शिक्षक विहीन हो गई हैं, और उनकी सबकी अगले शिक्षा सत्र में व्यवस्था हो जानी चाहिए, इसके लिए हमने निर्देश जारी किए। निश्चित रूप से आज ही मैंने निर्देश दिए हैं कि 30,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पदों को भरने के लिए, और इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो विषयवार शिक्षकों की भर्ती होनी थी, विषयवार शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई और जनरल शिक्षकों की भर्ती हो गई, इसके बहुत सारे विषयों के शिक्षक स्कूलों में नहीं पहुंच पाए। लेकिन निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए विषय अनुसार शिक्षक होना चाहिए, और आने वाले समय पर हम इसकी व्यवस्था करेंगे। और उसके अलावा अब आप सोचोगे कि उसको बजट सत्र में शामिल क्यों नहीं किया गया, तो ये अलग अलग विभाग बटी हुई तो वो उसकी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, तो इस पे ज़्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो अलग अलग विभाग में जाएंगे तो और वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है, हमको क्या है कि सिर्फ हमको तैयारियाँ करना है, क्योंकि देखिए आपकी तरह मैं भी एक एक्सपेरेंट हूँ डीएलएड का, अभी सेकेंड ईयर में। आप लोगों ने भी, कई लोग ऐसे होंगे जो डीएलएड पास कर चुके होंगे, अपेयरिंग होंगे, ठीक है, और जो लोग तैयारी कर ही रहे होंगे शिक्षक भर्ती के वेटिंग लिस्ट में, तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो एक हफ्ते में आए, एक महीने में आए, चाहे वो एक साल बाद आए, लेकिन अगर घोषणा किया है तो ज़रूर आएगा ही आएगा, क्योंकि इससे पहले आपने सुना होगा कि 57,000 पोस्ट खाली है शिक्षकों की अलग अलग, ठीक है, तो वो सहायक शिक्षक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, इस सारी पोस्टेज का वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। अब आप हड़बड़ा रहे होंगे कि ये सोचो कि आप वैकेंसी आएगा, नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद ही पढ़ेंगे बोल के, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आप ये बताइए? चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। मान लो आपको कोई मंदिर जाना है और वो मंदिर जो है वो पहाड़ी के ऊपर स्थित है, ठीक है, और इस मंदिर पर जाने के लिए आपको कम से कम 200 सीढ़ी चढ़ने हैं, तो क्या आप हमको ये बताओ कि एक ही साथ आपको एक ही छलांग लगा कर 200 सीढ़ी पार कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, आपको स्टेप बाय स्टेप पेशेंस रख के एक एक सीढ़ी करके चढ़ना पड़ेगा ना। तो ठीक उसी प्रकार है, अब आप सोचोगे कि अगर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, 30,000 वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन आएगा तो हमको कंफर्म होगा, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो अब हमको ये बताओ लाखों लोगों के बीच में अपने आप को साबित कर पाओगे, पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप धीरे धीरे पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दे। मेन बात ये है कि आप अपना कंटिन्यू पढ़ाई रखोगे, और क्या है अभी कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा है। अभी आप ये मत समझो कि देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएड वालों के लिए अलग पहली से पाँचवीं तक, मतलब लेवल 3 का अलग से कर दिया है, तो इसका मतलब ये मत समझो कि हम लोग का जो कंपटीशन है वो नहीं है, है बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, फिर भी रहेगा, ठीक है। 6 to 8 और पहली से पाँचवीं दोनों में ही हम डीएलएड वालों के लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ को आप
कंफर्म रखें और उसके बाद सबसे पहला अपनी योग्यता को देखें कि आप सबसे पहला ये देखें कि आपका सी टेट या सी जी टेट क्लियर है या नहीं। सबसे पहला प्रेफरेंस आपको ये देना है, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो सबसे पहले आप तैयारी कीजिए सी जी टेट की, क्योंकि सी टेट का तो निकल गया, पास कर लिए होंगे सी टेट तो बढ़िया बात है, अभी आंसर की आ गया है, देख चुके होंगे आप लोग, ठीक है। अगर नहीं किए होंगे तो सी जी टेट आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए पिछले साल 2023 में सी जी टेट का जो एग्ज़ाम है वो हुआ ही नहीं है, तो इसलिए कन्फर्म है कि सी जी टेट का एग्ज़ाम शिक्षक भर्ती से पहले आएगा ही आएगा, तो तैयारी उसका भी आप कीजिए, वरना आप ये सोचते रह जाओगे कि सी जी टेट या सी टेट आपका क्लियर ही नहीं है और आप लगे हो कि दौड़ने के लिए, मतलब ये है कि आप शिक्षक भर्ती के पीछे पड़े हो और आप में योग्यता ही नहीं है कि आपका सी टेट या सी जी टेट क्लियर ही नहीं। तो सिलेबस लगभग लगभग सेम है, आप दोनों का ही ध्यान रखें। सबसे पहले आपका होना चाहिए कि सी टेट क्लियर या सी जी टेट क्लियर होना चाहिए, और आप देखिएगा शिक्षक भर्ती से पहले सी जी टेट का जो एग्ज़ाम है होगा ही होगा, तो इसके लिए प्रिपरेशन तैयार कर दीजिए, मार्केट से कोई सभी बुक उठा लीजिए, मैं तो यही करने वाला हूँ। जो मेरा अगर की बात करोगी ना कि मेरा जो तैयारी है वो कैसा होने वाला है, तो सबसे पहले भैया कि मैं मार्केट से कोई भी सा बुक सी जी टेट का निकल उठा लूँगा और पहले उसको ही पढ़ूँगा, उसके बाद अगर कि मैं एक आध हफ्ते एक महीने में उसको कवर कर लूँ, उसके बाद फिर जितने भी सब्जेक्ट है वो अलग अलग करके बुक लूँगा और डिटेल पढ़ूँगा भैया, तो उससे क्या होगा मेरा धीरे धीरे अपना शिक्षक भर्ती का भी तैयारी हो जाएगा और धीरे से अपना सी जी टेट है वो भी क्लियर हो जाएगा, तो मैं अपने तरफ से कन्फर्म रहूँगा। तो इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप आप तैयार करना शुरू कर दीजिए, और ये बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा, नोटिफिकेशन ऑफिशियली आएगा तो ही मैं तैयारी करूँगा भैया, पीछे रह जाओगे, हम सही बता रहे हैं, ठीक है। तो हम जो तैयारी कर रहे हैं इसलिए आपको बता ही रहे हैं, और आप ये सोचोगे कि आप खुद तैयारी कर रहे हो और हमें आप बता रहे हो, तो मैं देखिए मेरा वीडियोस बनाने का एकमात्र थीम ये रहता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, और जब मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूं तो मैं खुद अपने आप में मोटिवेट होता हूं। तो लेट्स दोनों के दोनों मिल करके तैयारी करते हैं, और नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपको तैयारी का मौका मिलेगा, और अभी जो है कॉम्पिटिशन का सख्त दौर है भैया, तो जितना ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतना ही ज़्यादा आपका जॉब के लिए प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा रहेगा। तो वेल तैयारी के लिए बिल्कुल भी कोताही मत बरतो, और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप लोगों को पता है हमारी और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले कन्फर्म करते हैं कि जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ नहीं जाता तब तक हम तैयारी नहीं करते। जब आपको साक्षात रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री जी श्रीमान बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपने इंटरव्यू में बोल चुका है कि 30,000 नौकरियां शिक्षक भर्ती की आने वाली है, जब आपको पता चल गया है कि भैया सावन लग चुका है तो आपको छतरी ले लेनी चाहिए, लेकर रख लेनी चाहिए घर पे, तो नहीं, जब तक कि अगर कि बरसात शुरू नहीं होगा छतरी नहीं लेंगे हम, तो जब बरसात शुरू हो जाएगा तो बरसात में भीगते भीगते छतरी लेने जाएंगे, तो ये तो भीग ही ना जाओगे आप, आपको पिछड़े ना रह जाओगे अगर कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी करूँगा बोलोगे तो, नहीं आपको चाहिए कि उससे पहले आपको पता चल गया तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो अंत में एक बार यही कहना चाहेंगे कि अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए, किसी प्रकार की कोताही मत बरतिए, और एक सवाल ये है कि देखिए अगर एफर्ट कर सकते हो तो बिल्कुल कोचिंग जाइए, कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो सेल्फ स्टडी भी इनफ होता है, लेकिन हाँ जितने घंटे पढ़ो तो मन लगा करके पढ़ो तो वो ज़्यादा अच्छा है। हम तो भैया सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, तो यही बता रहे थे। और हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सी जी टेट के लिए तैयारी कैसे करें, तो इसके बाद सी जी टेट और सी टेट दोनों के लिए भैया, ठीक है, तो उसमें वीडियोज़ में बात करेंगे हम लोग। और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए मिलते हैं।